गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं ट्रू पाथ चैनल। मैं हूं तंजील रहमान और आज हम देखेंगे कि बीए डिपार्टमेंट में बायोलॉजिकल, फिजिकल और मैथ्स में कैसे अलग अलग तरीके के मॉडल्स बनाए गए हैं और वाइवा कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये गरीब मॉडल मेरा है, ये मेरे दोस्त का है। आप लोग वीडियो में आना चाहेंगी? वीडियो में आना चाहेंगे आप लोग? यूट्यूब वीडियो में? ये देखिए, ये बनाया है एक बहुत ही खतरनाक लड़की ने, पूरा जंगल बना दिया है। टॉपिक क्या है आप लोग का बताइए, टॉपिक क्या है? फूड वेब टॉपिक है। आपने जंतु कोशिका। चलिए आप बताइए मैम, आपने क्या बनाया है? वाह, बहुत ही अच्छा, मनुष्य हृदय। उम्मीद करते हैं आपका दिल भी ऐसे ही बड़ा होगा। ओ भाई साहब, इतना ज्यादा जगह बर्दाश्त नहीं होगा। छोड़ दीजिए। बताइए आलोक सर, आप बताइए क्या बनाया आपने? लाना पड़ेगा सर, इसमें अभी छोड़ दीजिए, बाद में आइए। गजब बेइज्जती है यार। तो ये देखिए, ये एक और एनिमल सेल है जो कि बनाया है गुड़िया ने। ठीक है, ये देखिए, ये बनाया है तंत्रिका कोशिका, बहुत ही खूबसूरत, जयंती मुंडा ने। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार? हमें यही चाहेंगे कि इतना मेहनत नहीं करना चाहिए बीएड में। आइए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आइए आगे देखते हैं। अरे आप रुके रुके, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इतना अच्छा बनाई मेरे हिसाब से, सबसे अच्छा इसी का, और इसको अगर 100 में 102 नहीं मिला, हाँ हम लोग का उम्मीद टूट जाएगा, हम लोग फिर से हड़ताल करेंगे। ये देखिए, ये है प्रकाश संश्लेषण, ये किसने बनाया है? ये बनाया है ज्योति अर्पणा तिर्की ने। कोई नहीं, वॉइस अगर नहीं आएगा तो हम वॉइस ओवर कर देंगे। यशोदा रानी, ठीक है, बोलिए क्या मॉडल बनाया आपने? आशा का है, अच्छा रुकिए आशा, हाँ अच्छा बोलो क्या बनाया आपने? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, आपको लगता है इसको देख के एक्सटर्नल खुश होंगे? होना तो चाहिए। अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा, तो ये आशा ने बहुत खराब समझाया, पता नहीं उसको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये देखिए, मधु करकट्टा ने बनाया है प्रकाश संश्लेषण, बहुत ही सुंदर, देखते हैं इनको कितना नंबर मिलता है। ये देखिए, ये है पॉलिनेशन का मॉडल, किसने बनाया है? सानू सिंह, वेरी गुड। ये देखिए, ये बनाया गया फ्लावर का स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, नाम है स्वर्णाली पालित। और ये बनाया गया फूड चेन, किसके द्वारा बनाया गया है? ममता चौबे, वेरी गुड। हाँ प्रद्युमन बताओ, क्या मॉडल बनाया है? रिएक्शन जो है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट लेंगे वो रहेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस रहेगा वाटर, ठीक है। इसको जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में ऊर्जा का उत्पत्ति होता है। हम ये डेमोंस्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं बच्चों को। वाह बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सस्ता निपटाया है, मजा आ गया। ठीक, अब हम लोग जा रहे हैं मैथ्स वाले क्लासरूम, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैथ्स वाले ने कैसा कैसा मॉडल बनाया है और आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए चलिए, मैथ्स के बच्चे कुरफाती करते हुए, चलिए सबसे पहले हम लोग अपने गौरव जी से पूछते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। बताइए गौरव सर, आपने क्या बनाया है? जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज, वाह बहुत ही सुंदर। चतुर्भुज जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे हमने दिखाया है यहाँ पे अलग अलग उदाहरण के साथ। वाह बहुत ही अच्छा। मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सर्कल, मैंने पार्ट्स ऑफ सर्कल को यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले यहाँ पे केंद्र,
वाह बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। मैं अभिषेक कुमार। हाँ बताइए। मैं अपने मॉडल का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। हाँ, नहीं ज्यादा डिटेल नहीं बताना, उतना टाइम नहीं। आराम से नहीं है, तो सिंपल जा रही है। ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और ये मतलब बेस एरिया है दोनों का, ठीक है। दो सर्कल इधर इधर वाला, ये दोनों का सम कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। वाह बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक दो, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बताइए आकाश सर आपने क्या बनाया है? मेरा वर्किंग मॉडल है, ये लाइन से एंगल से बेस्ड है और ये टोटली वर्किंग मॉडल है। आप इस पे देख सकते हैं कि जैसे कि जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, हाँ। किसी पे भी टच करेंगे, जैसे सपोज दैट इस एंगल पर टच करते हैं, हाँ। तो ये जो एंगल है, जो इक्वल एंगल्स होगा वो ग्लो कर जाएगा। वाह ठीक है, वाह। और जैसे कि अब इस एंगल पे आते हैं, ठीक है, एंगल थ्री पे, तो देख सकते हैं एंगल थ्री का इक्वल एंगल है एंगल वन, और एंगल वन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल फाइव, और एंगल फाइव का वर्टिकली अपोजिट एंगल सेवन, तो वो ग्लो कर रहा है। इसी तरीके से किसी भी एंगल पे आप टच करोगे तो वो एंगल क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। वाह हाँ बोलिए। सर्कल, मैंने सर्कल का पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये है सर्कल का सेंटर, जैसे यहाँ पे वर्किंग मॉडल करते हुए देखिएगा, ये धनात्मक आकृति में बन जाएगा। वाह बहुत ही अच्छा। जैसे वृत्त की त्रिज्या खंड हुआ, और ये वृत्त की त्रिज्या हुई, और ये वृत्त की परिधि हुई, और ये वृत्त का चाप हुआ, अच्छा, और ये वृत्त का केंद्र हो गया, अच्छा, जीवा हुआ। ओवरऑल मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं मॉडल से? ओवरऑल करेंगे तो इस मॉडल के थ्रू उन्हें हम समझाना चाहते हैं। ठीक, थैंक यू। ये देखिए लड़के निक्की को जबरदस्ती करते हुए, जो बना के भी नहीं लाए हैं। चलो ये दिखाइए, क्या बनाया, क्या बनाए बताइए, दिखाइए, चलिए बताइए क्या है ये, इसके बारे में आप बनाए। ये हमारे निक्की जी का है, इसको सदाकत एक्सप्लेन करेंगे, बताइए क्या है सदाकत, बताएंगे निक्की जी शर्मा रहे हैं, नहीं एक्सप्लेन करना चाहते हैं, पता नहीं कहीं जाने के पास करेंगे। निक्की वाटर टैंक है, ये क्या है जी? गुजरात लिखा हुआ है। देखिए ये है हमारे दोस्त रघुनंदन का मॉडल, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और हम लोग दोनों गरीब हैं, इसलिए हम लोग दोनों ने गरीब जैसा मॉडल बनाया है। मैंने 25 रुपया खर्चा किया, तुमने कितना खर्चा किया जी बोलो? 4 रुपया। 4 रुपया, सबका जमाना नहीं रहा। Acute angles. अच्छा। And if it becomes equal to 90 degree, it is set to the right angle. ये मॉडल बनाने में कितना टाइम लगा? ज्यादा नहीं, ये सिर्फ चुरा के लाए। कहना है कि मॉडल चुरा के लाए हैं, चलिए कोई नहीं, जुगाड़ है अपना अपना। तो अब हम लोग जा रहे हैं कॉलेज के मतलब डिपार्टमेंट से बाहर, और डिपार्टमेंट से बाहर जाके हम लोग कुछ लोगों से पूछेंगे कि उन लोगों का कैसा फीलिंग है वाइवा देने से पहले। तो चलिए चल के मिलते हैं और पूछते हैं उन सब लोगों से। तो चलिए बताइए कि आप लोग का वाइवा देने से पहले क्या फीलिंग्स आ रहा है? पूरा सारा फीलिंग एक साथ में बाहर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलेंगे वो लोग, क्या पूछेगा, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। उसके लिए खाना खा के आना था घर से, हवा भी नहीं मिल रहा है। और अभी तक हम 3 बार वॉशरूम जा चुके हैं, क्या होगा वो हमको भी नहीं पता। सचिन जी बताइए, पहले आप ये बताइए कि आपको अपना घर उतना दूर से यहाँ आकर के पढ़ना कैसा लगा? मजा आया। हम समझ रहे हैं आपको क्यों मजा आया, चलिए आगे बोलिए। आगे क्या, बस आना है एक्सटर्नल को, बस दे देना है फाइल। मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप ही बोलिए कैसा गया? पहले बहुत नर्वस फील कर रहा है, पता नहीं क्यों, डर बहुत लग रहा है, पढ़े बहुत है पर फिर भी हमको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आई एम परफेक्टली। वो किसी को नहीं होता है, टेंशन मत लीजिए। मतलब कि इसका मतलब ये कि पढ़ना है ना पढ़ना बराबर है, इसका मतलब है नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आपको बताना है कि आपको वाइवा देने से पहले कैसा फील आ रहा है? डर लग रहा है। आपने किस जो कौन का जो गुण है उस पे मेरा। ओ अच्छा, आपका मैथ सब्जेक्ट है,
ओह अच्छा, थैंक यू मैम। तो गाइज अब हम घर आ चुके हैं, वाइवा हम सभी का कंप्लीट हो चुका है, एक्सटर्नल जा चुके हैं और सेमेस्टर थ्री का जो टेंशन था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।